हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑन डिजिटल लॉजिक डिजाइन। मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम सेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में जो स्लाइड्स है दे आर बेस्ड ऑन द बुक डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन बाय मॉरिस मैनू। इस लेक्चर में मैं फोर वेरिएबल्स के मैप या करनॉफ मैप में डिस्कस करूंगा हाउ कैन वी यूज दिम फॉर बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन यूजिंग फोर वेरिएबल्स के मैप। तो हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे और वो बूलियन फंक्शंस फोर वेरिएबल्स बूलियन फंक्शंस होंगे, यानी ऐसे बूलियन फंक्शंस जिसमें इनपुट वेरिएबल्स चार वेरिएबल्स हो। तो उसके लिए हम फोर वेरिएबल्स के मैप इस्तेमाल करेंगे और हम ऐसे फोर वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन हमें क्यों चाहिए? जब हम डिजिटल सर्किट को मॉडल करते हैं यूजिंग बूलियन फंक्शंस और फिर उन बूलियन फंक्शंस को हम लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट करते हैं, तो बूलियन फंक्शंस में जो लिटरल्स होते हैं वो लॉजिक गेट्स के इनपुट्स से हम उनके इंप्लीमेंट कर सकते हैं लिटरल्स को, या वायर्स से उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो बूलियन फंक्शन में टर्म्स होते हैं उनको हम लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द बूलियन फंक्शन एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बूलियन फंक्शंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वायर्स और इनपुट्स टू द गेट्स एंड द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स इन द डिजिटल सर्किट। तो अगर बूलियन फंक्शन में किसी तरह से हम नंबर ऑफ लिटरल्स और नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करें, सो दैट वुड लीड अस टू सिंपलर एंड फास्टर डिजिटल सर्किट्स। तो किसी डिजिटल सर्किट को लॉजिक गेट से बूलियन फंक्शन को देख के इंप्लीमेंट करने से पहले हम बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए और भी डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल मैनिपुलेशन इज वन ऑफ देम। लॉजिकल मैनिपुलेशन में बूलियन अलजेब्रा के फास्टुलेट्स और बेसिक थ्योरम्स यूज करके बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है बल्कि एक कट एंड ट्राई प्रोसीजर है। तो इस कट एंड ट्राई प्रोसीजर में एक तो लॉजिकल मैनिपुलेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं। तो यानी दो डिफरेंट पर्सन अगर एक बूलियन फंक्शन को लॉजिकल मैनिपुलेशन से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वो दोनों अलग सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन को डिराइव करे। तो और ये भी हो सकता है कि वो जो बूलियन फंक्शन हो द मोस्ट सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन ना हो और या उसमें गलती हो गई हो। तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत है जो कि हमें गाइड करे और बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के दौरान, और ऐसा एक सिस्टमेटिक अप्रोच करनॉफ मैप है या जस्ट सिंपली के मैप। तो हमारे पास के मैप में ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में सेल्स हम बनाते हैं, रोज एंड कॉलम्स, और बूलियन फंक्शन में जितने वेरिएबल्स होते हैं उसके जितने नंबर ऑफ मिन टर्म्स होते हैं, नॉर्मली द नंबर ऑफ वेरिएबल्स रेज टू पावर 2 इज द नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन दैट फॉर दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी बूलियन फंक्शन में चार वेरिएबल्स है तो 2 रेज टू पावर 4 यानी 16 मिन टर्म्स होंगे और हर एक मिन टर्म के लिए एक सेल होगा के मैप में। तो फोर वेरिएबल्स के केस में हमारे पास 16 मिन टर्म्स है टोटल और 16 सेल्स वाला के मैप हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बूलियन फंक्शन को देख के करेस्पॉन्डिंग सेल्स को या 0 या 1 से मार्क किया जाता है और फिर जितनी भी सेल्स है विद वंस दे आर कंबाइंड टू इनटू ग्रुप्स, ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुपिंग सेल्स के ग्रुप्स बनाने के
के टाइम हमें इन स्टेप्स या इन रूल्स को सामने रख के ग्रुप्स बनाने चाहिए। द फर्स्ट रूल इज कि ग्रुप्स कैन कंटेन ओनली वंस, यानी हम जब वंस को कंबाइन करते हैं तो जस्ट वी हैव, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वी हैव टू जस्ट कंबाइन द सेल्स विद वंस, और जीरोस वाले सेल्स को हमें इग्नोर करना है। तो जस्ट वंस के सेल को कंबाइन करके हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली एट राइट एंगल्स, यानी सेल ग्रुप में जो सेल्स हम इंक्लूड करते हैं वो राइट एंगल्स में जो सेल्स एक दूसरे के साथ होते हैं हम उनको शामिल करते हैं, क्योंकि वो एडजेसेंसी की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। हम आगे बात करेंगे कि व्हेन टू सेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। डायगनल्स में ग्रुप्स हम नहीं बनाते, यानी दो सेल्स आपस में जो डायगनल्स में होते हैं वो आपस में नाइबर्स या एडजेसेंट नहीं होते, तो उनको हम ग्रुप में शामिल नहीं करते। द नंबर ऑफ वंस आर स्क्वेयर्स इन ए ग्रुप मस्ट बी अ पावर ऑफ टू। अब किसी ग्रुप में जो नंबर ऑफ सेल्स हम शामिल कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी हम ऐसे इतने सेल्स हम शामिल कर सकते हैं जितने हम 2 रेस्ट टू पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस्ट टू पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे में हम किसी एक सेल को भी ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, यानी एक सेल का भी ग्रुप बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं, 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और द ग्रुप्स मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। जब भी हमने ग्रुप्स बनाने हैं तो अगर हम बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए। अगर हम छोटे ग्रुप्स बनाएंगे तो लॉजिकली बूलियन फंक्शन ठीक होगा, लेकिन वो सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन नहीं होगा। तो अगर हम बड़ा ग्रुप बना सकते हैं तो वी मस्ट ट्राई दैट। ग्रुप्स कैन ओवरलैप रैप अराउंड द साइड्स ऑफ द के मैप, यानी किसी ग्रुप में जो सेल्स होते हैं वो के मैप के साइड्स को भी क्रॉस कर सकता है। प्लस किसी ग्रुप में ऐसे भी सेल्स शामिल किए जा सकते हैं जो पहले से किसी और ग्रुप का हिस्सा हो, यानी दो ग्रुप्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, यानी उनके कुछ सेल्स कॉमन हो सकते हैं। लेकिन कॉमन तो हो सकते हैं, लेकिन किसी ग्रुप में जो फाइनल रूल है वो ये है कि हम जब भी एक ग्रुप बनाते हो तो उसमें कम से कम एक नया स्क्वायर होना चाहिए जो कि पहले से किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो। इन रूल्स को सामने रख के अगर हम ग्रुप्स बनाएंगे तो हमारे पास जितने ग्रुप्स बनेंगे सेल्स के, हर एक ग्रुप के लिए एक प्रोडक्ट टर्म फिर हम बनाएंगे, और प्रोडक्ट टर्म नॉर्मली वो लेटरल्स होते हैं जो उस पूरे ग्रुप में कॉमन होते हैं, उन उस ग्रुप में जितनी भी सेल्स होते हैं उनमें कॉमन होते हैं। तो हर एक ग्रुप के लिए हम जब एक प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे उन सारे प्रोडक्ट टर्म्स को हम और करेंगे, तो जो बूलियन फंक्शन बनेगा दैट वुड बी द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। हम इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टमेटिक अप्रोच को 4 वेरिएबल्स के मैप को समझ के और उन 4 वेरिएबल्स बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके फर्दर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे इस लेक्चर में। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ 4 वेरिएबल बूलियन फंक्शन के लिए हम 4 वेरिएबल्स के मैप इस्तेमाल करते हैं। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी बूलियन फंक्शन में होते हैं उतने वेरिएबल्स का के मैप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 4 वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन, जितनी भी 4 वेरिएबल्स बूलियन फंक्शन है उसके लिए 4 वेरिएबल्स के मैप इस्तेमाल करेंगे। 4 वेरिएबल्स बूलियन फंक्शंस में हमारे पास जो टोटल मेन टर्म्स बनते हैं 2 रेस्ट टू पावर 4, यानी 16 बनते हैं। तो हमारे पास के मैप में 16 सेल्स भी होने चाहिए जो कि हम रोज एंड कॉलम्स में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और फिर हर एक मेन टर्म हम हर एक सेल यानी हर एक मेन टर्म को एक सेल असाइन करेंगे, और ये असाइनमेंट ऐसी होगी कि जो साइड बाय साइड फिजिकली एक दूसरे को दो सेल्स टच करेंगे तो आपस में ऐसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी असाइनमेंट सेल्स को, मेन टर्म्स को सेल असाइन करना ऐसे हो कि जब दो मेन टर्म्स जो जो दो एडजेसेंट सेल्स हो उनमें जस्ट एक लिटरल लिटरल का डिफरेंस हो, यानी दोनों के मेन टर्म्स में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस हो। यानी फॉर एग्जांपल बाकी सारे वेरिएबल्स अगर एक जैसे, सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि एक में कॉम्प्लीमेंटेड और दूसरे में अनकम्प्लीमेंटेड हो, तो फिर हम इसको नाइबर्स सेल भी कहेंगे। तो हमने सेल्स को, मेन टर्म्स को सेल्स ऐसे असाइन करनी है ताकि हम हर दो एडजेसेंट सेल्स के मेन टर्म्स में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस हो। ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स के एक के मैप है, लेकिन
इस के मैप को हमने दो डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनाइज किया है। हम इनके 16 सेल्स इसमें और इसको 4x4 मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने बनाया है। तो इनके चार रोज है, चार कॉलम्स है और हमारे पास चार वेरिएबल्स है। और लेट्स से हमारे पास वो वेरिएबल्स W, X, Y, Z है। तो दो वेरिएबल्स W, X हम रोज को असाइन करते हैं, यानी रोज के लेबलिंग हम इन दो वेरिएबल से करते हैं। और दो वेरिएबल्स हमारे पास कॉलम्स को लेबल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस तरह करें कि हम रोज एंड कॉलम्स को बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइज करें कि नीचे वाले दो रोज के लिए W हो, ऊपर वाले दो रोज के लिए W प्राइम हो, यानी जिस साइड पे जो लेटर गिवन है, जो वेरिएबल गिवन है वो नॉर्मल फॉर्म में है और जो मिसिंग है इस वेरिएबल का कम्प्लीमेंटेड फॉर्म वहाँ के लिए होगा। मसलन W लेफ्ट हैंड साइड के लिए है तो ये जो मिसिंग दो रोज है उसका लेबल W प्राइम होगा। इसी तरह बीच वाले राइट साइड से बीच वाले दो रोज हमारे पास X के लिए हैं और इसी साइड पर जो दो रोज मिसिंग है यानी जहां पर लेबल कोई नहीं है तो इस पे X प्राइम होगा। X प्राइम ये रो भी X प्राइम का होगा और ये रो भी X प्राइम का होगा। यानी इसका मतलब है कि इन पूरे दो रोज में जो मिन टर्म्स होंगे उसमें W कॉमन होगा, इस बीच वाले दो रोज में जो कॉमन जो मिन टर्म्स होंगे उसमें सब में X होगा और इन इस रो के जितनी भी मिन टर्म्स है और इस रो के जितनी भी मिन टर्म्स है इन दोनों रोज में X प्राइम कॉमन होगा। इसी तरह कॉलम्स के लिए Y Z है तो राइट मोस्ट दो कॉलम्स Y के लिए हैं, बीच वाले दो कॉलम्स Z के लिए हैं। तो ऊपर से चूंकि वाई इधर इधर वाई है और यहाँ पर कोई लेबल नहीं है तो ये वाई प्राइम होगा और इधर राइट मोस्ट कॉलम और लेफ्ट मोस्ट कॉलम यहाँ पर जेड प्राइम होगा। यानी इसका मतलब है कि इन इन दो कॉलम्स में जितनी भी मेन टर्म्स होंगे उसमें वाई कॉमन होगा, बीच वाले दो कॉलम्स में जितनी भी मेन टर्म्स होंगे उसमें जी प्राइम होगा एंड सो ऑन, जी कॉमन होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर हमने रोज एंड कॉलम्स इसी तरह लेबल किए तो फिर किसी सेल का जो मेन टर्म है वो हम बड़े आराम से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल पहला जो सेल है इसमें इसके सामने वाला जो लेबल है दैट इज W प्राइम और दूसरी तरफ हमारे पास X प्राइम के रो में भी आता है तो ये W प्राइम X प्राइम और फिर हमारे पास ये Y प्राइम के नीचे भी आता है तो W प्राइम X प्राइम Y प्राइम और नीचे से ये Z प्राइम के नीचे भी आता है, कॉलम में भी आता है तो W प्राइम X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम। यानी ये हमारे पास S सेल का मेन टर्म होगा जो इसको असाइन किया गया है। तो हम इसका मेन टर्म फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह हम इस सेल का मेन टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। और जब हम सारे सेल्स का मेन टर्म इसी तरह जस्ट इनके साइड्स के जो लेबल है उनका इंटरसेक्शन लेके जो मेन टर्म जो टर्म बनता है वो हमारे पास मेन टर्म बनता है और ये उसका रिस्पॉन्डिंग सेल का मेन टर्म होगा। तो उनके अगर सम शॉर्ट हैंड नोटेशन हम यूज करें तो यहाँ पर मिन टर्म 0 होगा, मिन टर्म 1 होगा, मिन टर्म 2 इधर होगा, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, 5, 6, 7 और फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये मिन टर्म्स इसी तरह से उनको असाइन किए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे जस्ट वही मैप है लेकिन इनको वेरिएबल्स असाइनमेंट नहीं है, जस्ट मेन टर्म्स असाइन किए गए हैं। ये ज्यादा सिंपल मैप है लेकिन हमारे पास नॉर्मली इस शक्ल में जो के मैप होगा W X Y Z के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन में इस किस्म के मैप की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हम यही इंटरसेक्शन से इनके मेन टर्म्स फाइंड करके हर एक सेल को हम मेन टर्म असाइन करेंगे। तो आफ्टर दिस असाइनमेंट हमारे पास जो हर एक सेल का मेन टर्म होगा वो हमारे पास यही होगा। यानी हमारे पास जैसा हमने पहले कैलकुलेट किया W प्राइम X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम, ये है हमारे पास इस सेल का मेन टर्म होगा, इसी सेल का मेन टर्म ये है, इस सेल का मेन टर्म ये है। तो 16 मेन टर्म्स है हमारे पास, 16 सेल्स है और हर एक सेल को हमने एक मेन टर्म असाइन किया गया है। तो ये हमारे पास अब एक कंप्लीट मैप है। अगर हमारे पास मेन टर्म्स गिवन हो इधर इस तरह के तो हम इनके साइड्स के लेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इन सारे सेल्स को देख के, इन दो रोज में सारे सेल्स को देख के हमें नजर आ रहा है कि W इस सब में कॉमन है, W इस सब में कॉमन है तो हम इन दो रोज को W असाइन कर सकते हैं। इसी तरह नीचे नीचे वाली जो रो है
इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक्स प्राइम भी कॉमन है, एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स प्राइम, तो हम इस रो को एक्स प्राइम का नाम भी दे सकते हैं। एक्स प्राइम हम अगर लिख भी ले तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम एक्स प्राइम इधर लिखते नहीं है, डब्ल्यू प्राइम हम इधर लिखते नहीं है, वाई प्राइम इधर नहीं लिखते, जेड प्राइम इधर और इधर नहीं लिखते, क्योंकि जिस साइड पर जो वेरिएबल अनप्राइम्ड के फॉर्म में हो तो जो रेस्ट ऑफ रोज या रेस्ट ऑफ कॉलम्स है उसी साइड पर, उसके लिए उसी वेरिएबल का प्राइम्ड वर्जन हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने हर एक सेल को वेरिएबल मिन टर्म असाइन किया गया है, और अगर हम इसी तरह असाइनमेंट करें जो कि अभी करंटली हो चुका है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी दो सेल्स जो साइड बाय साइड है वो आपस में, उनमें जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल इन दो सेल्स को अगर हम देख लें तो डब्ल्यू प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी, डब्ल्यू प्राइम एक्स प्राइम वाई जी, यानी डब्ल्यू प्राइम एक्स प्राइम और जी इन दोनों सेल्स में कॉमन है। अगर सिर्फ एक डिफरेंस है तो वाई वाई प्राइम का डिफरेंस है, यानी इधर वाई प्राइम है इधर वाई है, तो ये एक लेटरल का जो डिफरेंस है, अगर किसी भी दो सेल्स के बीच में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस हो तो आपस में हम उनको एडजेसेंट भी कहते हैं। तो ये सेल्स दोनों आपस में एडजेसेंट है, इसी तरह ये दो सेल्स आपस में एडजेसेंट है, इस तरह ये दो सेल्स आपस में एडजेसेंट है, यानी वो सारे सेल जो आपस में एक दूसरे को साइड बाय साइड राइट एंगल से टच कर रहे हैं तो वो आपस में एडजेसेंट है। डायगनली दो सेल्स आपस में एडजेसेंट नहीं है, ये दो सेल्स आपस में एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि उनमें एक लेटरल से ज्यादा का डिफरेंस है। तो हमने जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की है, रोज एंड कॉलम्स को हमने लेबलिंग की है, या हर एक सेल को जो मिन टर्म हमने असाइन किया है, इसी तरह से अगर हम असाइन करें हर एक सेल को मिन टर्म, तो हर एक सेल जो एक दूसरे को टच कर रहा है साइड बाय साइड, दे आर नाइबर्स टू ईच अदर। इन एडिशन टू दैट, अगर हम अक्रॉस दिस लाइन जो सेंट्रल लाइन है, इस लाइन के अक्रॉस अगर हम इस पूरी मैप को रैप करें और ये साइड इस साइड को टच करें, तो जो सेल्स आपस में एक दूसरे को टच करेंगे साइड बाय साइड आमने सामने आ जाएंगे, वो भी आपस में नाइबर्स होते हैं, यानी वो फिजिकली भी फिर नाइबर्स हो जाएंगे। लॉजिकली ये सेल इस सेल का नाइबर है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस है। इसी तरह ये सेल इस सेल का नाइबर है, ये सेल इस सेल का नाइबर है, ये सेल इस सेल का नाइबर है। और अगर हम अक्रॉस दिस लाइन रैप करें, अक्रॉस दिस सेंट्रल लाइन अगर हम इस मैप को रोल करें, तो हमारे पास ये पूरा साइड इस पूरी साइड को टच करेगा, तो ये सेल इस सेल का नाइबर बन जाएगा, ये M3 वाला सेल M11 का नाइबर बन जाएगा, M1 का सेल M9 का नाइबर बन जाएगा, M0 का M8 का नाइबर बन जाएगा। तो यहाँ पर इस फोर वेरिएबल के मैप में हर एक सेल जो एक दूसरे जो दूसरे सेल को साइड बाय साइड टच करे वो नाइबर है, एडजेसेंट है, और जो सेल्स आपस में साइड से हैं, मतलब ये पूरा रो पूरा कॉलम इस पूरे कॉलम का बिल्कुल नाइबर है, इसी तरह ये पूरा रो इस पूरी रो का नाइबर है। तो ये हमारे पास एडजेसेंसी की डिफिनेशन है, हमें पता है कि कौन से सेल्स किस सेल का नाइबर है या एडजेसेंट है। क्योंकि हमने आगे ग्रुप्स एडजेसेंट सेल्स का ही बनाना है, एडजेसेंट सेल्स को ही हमने ग्रुप में शामिल करने हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब दो सेल्स आपस में एडजेसेंट हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इस एग्जांपल को हम फोर वेरिएबल बूलियन फंक्शन है, और इस बूलियन फंक्शन को सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखा गया है। तो इस बूलियन फंक्शन में हमारे पास जो मिन टर्म्स है, मिन टर्म्स हमारे पास यहाँ गिवन है, तो हम इन मिन टर्म्स को ऑलरेडी मिन टर्म्स गिवन है हमारे पास, वेरिएबल डब्ल्यू एक्स वाई जी है, तो हमारे पास फोर वेरिएबल के मैप हम बनाएंगे। तो डब्ल्यू एक्स हमारे पास रोज के लिए है, वाई जी हमारे पास कॉलम्स के लिए है, और हमें ऑलरेडी मिन टर्म्स का हिसाब गिवन है कि कौन से सेल को कौन सा मिन टर्म असाइन करना है, M0, M1, M2, M3 एंड सो ऑन फॉर ऑल अदर सेल्स। तो सम ऑफ मिन टर्म्स में है, तो जस्ट जो मिन टर्म्स इधर गिवन है तो उनके करस्पॉन्डिंग सेल को हमने 1 से मार्क करना है। अगर अगर ट्रुथ टेबल में ये बूलियन फंक्शन गिवन होता, तो ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट कॉलम है उस कॉलम में हमारे पास इसी पोजीशन पर 1 होता, इसी पोजीशन पर 1 होता, इसी पोजीशन पर 1 होता, तो जहां पर 1 होता तो उसके जो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म है, हमने उन मिन टर्म वाले सेल्स को हमने जस्ट 1 करना है। लेकिन लकीली इस एग्जांपल में हमारे पास जस्ट
सम ऑफ मिन टर्म्स में ऑलरेडी गिवन है, सो इट्स वेरी सिंपल टू जस्ट मार्क द करस्पॉन्डिंग सेल्स विद वन. तो हमारे पास मिन टर्म जीरो इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है, तो हम मिन टर्म जीरो वाला सेल हम वन कर लेंगे. इस तरह मिन टर्म वन वाला सेल भी वन कर लेंगे, मिन टर्म टू वाला सेल भी वन कर लेंगे, मिन टर्म फोर वाला सेल भी वन करेंगे, फाइव सिक्स और एट नाइन, एट नाइन और फिर ट्वेल्व थर्टीन, ट्वेल्व थर्टीन और ये 14 मेन टर्म है, तो सेल नंबर 14 हम वन कर लेंगे. अब जो मिसिंग जो मेन टर्म्स इधर नहीं है वो सेल्स हमारे पास जीरो होंगे, तो जीरो हम इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उनको ग्रुप में वैसे भी शामिल नहीं करना. तो अब हमारे पास सारे सेल्स जो जिन्होंने वन होना था वो हम सारे मार्क कर चुके हैं. तो इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे. तो ग्रुपिंग ऑलरेडी जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, आठ सेल्स का या आठ स्क्वायर्स का एक बड़ा ग्रुप बनता है. लेकिन हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास ये तीन सेल्स फिर ग्रुप के बगैर रहेंगे. तो हम चाहे तो हर एक सेल का आपस में एक ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए. तो अगर हम इन दो को कंबाइन करिए, दोनों आपस में नाइबर्स हैं और इसी तरह ये दोनों आपस में नाइबर्स हैं, तो हम दो दो सेल्स का दो और ग्रुप बना सकते हैं. तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक बड़ा ग्रुप ये होगा और दो ग्रुप से इधर आ जाएंगे. इन तीनों को हम एक ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि थ्री को हम टूरिस्ट फॉर समथिंग, टूरिस्ट फॉर एन के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो हमारे पास ये दो सेल्स का एक ग्रुप बन सकता है और इन दो सेल्स का एक ग्रुप बन सकता है. लेकिन अब अगर हम कोशिश करें तो हम बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, इन और भी इन ग्रुप्स का साइज हम बड़ा कर सकते हैं. चूंकि ये पूरा कॉलम इस पूरे कॉलम का नाइबर है, तो इन दो सेल्स को अगर हम इन दो सेल्स के साथ कंबाइन करके ग्रुप बना ले तो ये चार सेल्स का ग्रुप बनेगा. इसी तरह हम इस ग्रुप को भी बड़ा कर सकते हैं, इन दो सेल्स को अगर हम इन दो सेल्स के साथ कंबाइन करके ग्रुप बना ले तो हमें चार सेल का ग्रुप बन सकता है. इसी तरह अगर हम सिर्फ इन दो सेल्स को कंबाइन कर लेते तो हमारे पास जो टर्म बनता वो डब्ल्यू प्राइम वाई जी प्राइम बनता, क्योंकि इन दोनों सेल्स में यही लेटरल्स का मान है. इसी तरह इस ग्रुप का जो टर्म बनता एक्स वाई जी प्राइम बनता, इस ग्रुप का डब्ल्यू प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम बनता और सो ऑन सो फोर्थ फॉर ऑल दीज सब ग्रुप्स. लेकिन हमारे पास जो टोटल एंड पे हमने बड़े से बड़े ग्रुप बनाना है तो हमें तीन ग्रुप्स बनेंगे. तो सबसे पहला ग्रुप ये है और इस पूरे ग्रुप में आठ सेल्स हमारे पास शामिल है. तो इन आठ सेल्स में जो लिटरल कॉमन है वो हमारे पास इस सेल का प्रोडक्ट टर्म बनेगा. तो इस ग्रुप को अगर हम देख ले तो जस्ट वाई प्राइम एक ऐसा लिटरल है जो कि इस पूरे ग्रुप को कवर कर रहा है. यानी वाई प्राइम एक ऐसा लिटरल है जो कि इन आठ सेल्स में कॉमन है, और इसके अलावा कोई ऐसा लिटरल नहीं है जो इस पूरे ग्रुप में कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल अगर जी की बात करें तो जी जस्ट इन चार सेल्स को कवर कर रहे हैं इस ग्रुप के. जी प्राइम की बात करें तो जी प्राइम जस्ट इन चार सेल्स को कवर कर रहे हैं. इस तरह W की बात करें तो W इन चार सेल्स को कवर करे, W प्राइम इन चार सेल्स को कवर करे. ओनली Y प्राइम इज अ लिटरल दैट कवर्स ऑल द सेल्स ऑफ दिस ग्रुप. सो हमारे पास इस ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा वो हमारे पास Y प्राइम है. इसको हम प्लस करेंगे दूसरे ग्रुप के प्रोडक्ट टर्म के साथ. तो हमारे पास इन दो सेल्स को हमने कंबाइन किया इन दो सेल्स के साथ, तो इनका जो प्रोडक्ट टर्म दोनों का बनेगा वो हमारे पास देख ले तो हमारे पास इधर से ये जी प्राइम के अंडर भी आता है. ये चारों सेल्स, ये दो सेल्स और ये दो सेल्स जी प्राइम के अंडर भी आता है, प्लस हमें डब्ल्यू प्राइम के अंडर भी आता है. इन डब्ल्यू प्राइम भी इन चार सेल्स को कवर कर रहे हैं और जी प्राइम भी इन चारों सेल्स को कवर कर रहे हैं. तो इसका जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा वो डब्ल्यू प्राइम जी प्राइम बनेगा. तो डब्ल्यू प्राइम जी प्राइम हमारे पास इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बनेगा. दूसरे एंगल से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन इस पूरे चार सेल्स वाले ग्रुप को अगर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करें तो इस ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा डब्ल्यू प्राइम वाई जी प्राइम बनता है, इसका डब्ल्यू प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम बनते हैं. तो दोनों को प्लस करें और हमारे पास डब्ल्यू प्राइम जी प्राइम, डब्ल्यू प्राइम जी प्राइम हम इसमें से कॉमन निकाल देंगे और जो लिटरल डिफरेंट है यानी वाई वाई प्राइम ये अंदर रह जाएगा. तो वाई प्राइम प्लस वाई ये हमारे पास वन के बराबर है, तो हमारे पास एट द एंड डब्ल्यू प्राइम जेड प्राइम ही आएगा. तो हमारे पास डब्ल्यू प्राइम जेड प्राइम इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म है, तो इसको हमने प्लस किया. प्लस आगे हमारे पास जो थर्ड ग्रुप बनता है दिस वन, इन दो सेल्स को जब हमने कंबाइन किया इन दो सेल्स के साथ तो चार सेल्स का ग्रुप बनता है. तो इस ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म बनता है, एक तो हमारे पास एक्स है
चूंकि एक्स इन दो रोज को कवर कर रहा है, इन दो रोज में ये चार सेल्स भी आते हैं, तो ये चार सेल्स एक्स के अंडर आते हैं, प्लस हमें पता है कि जेड प्राइम के नीचे भी ये आता है, तो जेड प्राइम इन दो कॉलम्स को कवर कर रहा है, तो एक्स प्राइम एक्स और जेड प्राइम ये प्रोडक्ट टर्म बनेगा इस ग्रुप का, तो एक्स जेड प्राइम ये इस हाइलाइटेड ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बनेगा। तो हमारे पास तीन ग्रुप्स थे और तीनों के प्रोडक्ट टर्म्स को हम प्लस कर चुके हैं, सो एज द रिजल्ट जो हमारे पास बुलियन फंक्शन बन रहा है वो एफ इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस डब्ल्यू प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स जी प्राइम, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन होगा इस एग्जाम्पल का। ओके, सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास बुलियन फंक्शन गिवन है, लेकिन ये सम अप मेन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी इसमें हर एक टर्म मेन टर्म नहीं है, जस्ट एक मेन टर्म ऐसा है जो कि मेन टर्म है, बाकी सारे टर्म्स जो है वो जस्ट प्रोडक्ट टर्म्स हैं लेकिन मेन टर्म्स नहीं है, तो ये सम अप मेन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है। तो सम अप मेन टर्म्स के फॉर्म में जब ये नहीं है तो हम इसको डिफरेंट तरीके से बुलियन फंक्शन सॉरी के मैप के ऊपर मैप करेंगे। तो इसका एक तरीका यह है कि हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बुलियन फंक्शन गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में असल में सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ये बुलियन फंक्शन गिवन है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बुलियन फंक्शन गिवन है तो इसको सबसे पहले हम सम ऑफ मेन टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, यानी सम ऑफ मेन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि जिस बुलियन फंक्शन जिस टर्म में प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है लेकिन इधर डी नहीं है, तो इस टर्म में ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ये एक टर्म इसका बनेगा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी, यानी इस प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है एक मरतबा इसमें वो वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में पुट करके एक टर्म बनाए, दूसरी मरतबा प्लस करके दूसरा टर्म इससे बना ले और उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में पुट कर ले, इसी तरह बी प्राइम सी डी प्राइम इसमें ए मिसिंग है तो एक मरतबा ए नॉर्मल इसमें पुट कर दी, यानी ए बी प्राइम सी डी प्राइम, और दूसरी मतलब ए प्राइम पुट कर दी, यानी ए प्राइम बी प्राइम सी डी प्राइम, और ये तो ऑलरेडी मेन टर्म है इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसी तरह ए बी प्राइम सी प्राइम में डी मिसिंग तो एक मतलब डी होगा और दूसरी मतलब इसमें डी प्राइम होगा, तो सम अप मेन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, फिर करस्पॉन्डिंग जो सेल होगा मेन टर्म का उसको वन मार कर लें। लेकिन इसके अलावा एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसको यूज करके हम सेल्स को हम मैप वन से या जीरो से मार कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट मेथड ये है कि हमारे पास हर एक प्रोडक्ट टर्म को एक एड्रेस के तौर पे कंसिडर कर लें, ये हमारे पास एड्रेस है पूरा एड्रेस है, और ये नंबर ऑफ सेल्स या किसी एक सेल का एड्रेस हो सकता है, ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये हमारे पास चूंकि मेन टर्म नहीं है तो ये एक सेल से ज्यादा सेल्स का एड्रेस हो सकता है, ये चूंकि मेन टर्म है तो ये जस्ट एक सेल का एड्रेस हो सकता है, जितना टर्म छोटा होगा उतना ये ज्यादा सेल्स का एड्रेस हो सकता है। तो हमारे पास जस्ट इस प्रोडक्ट टर्म को ले लें, तो इस प्रोडक्ट टर्म हमारे पास सेल्स को मार्क करने के लिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वी वुड जस्ट कंसिडर ईच प्रोडक्ट टर्म एज एन एड्रेस ऑफ द सेल्स, और जिन सेल्स का ये एड्रेस हो सकता है उन सेल्स को हमने वन से मार्क करना है। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट टर्म का जो पहला लेटरल है उसको देख ले ए प्राइम, तो आप जरा हाईलाइट कर ले कि कितने सेल्स को ये ए प्राइम कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये ए प्राइम वाले दो रोज है तो ये ए प्राइम इन सारे आठ सेल्स को कवर कर रहे हैं। अब इसी प्रोडक्ट टर्म का अगला अगला लिटरल कंसेप्ट देख लें, तो अगला लिटरल हमारे पास इस हाइलाइटेड पोर्शंस में से सिर्फ उनको हमने हाईलाइट करना है जो बी प्राइम भी कवर कर रहे, ए प्राइम तो कर ही रहा है इन सेल्स को, लेकिन इन हाइलाइटेड पोर्शन में हमने उन सेल्स को अलग करना है जो बी प्राइम भी कवर कर रहा है, तो हमारे पास ऊपर वाला रो बनता है क्योंकि बी प्राइम भी इसको कवर कर रहा है। इसी तरह इस हाइलाइटेड काला रो में हमने उन सेल्स को जस्ट हाइलाइट करना है जो सी प्राइम भी कवर कर रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि सी प्राइम जस्ट इन दो सेल्स को कवर कर रहा है, तो हमें अब पता चला कि ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम इन दो सेल्स को कवर कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट टर्म के मुताबिक इन दो सेल्स को वन कर लेंगे, तो ये हमारे पास हमने इनको वन कर लिया। इसी तरह हम आगे अगले प्रोडक्ट टर्म को देख लेंगे और उस प्रोडक्ट टर्म के पहले लेटरल को देख लेंगे कि वो किन किन सेल्स को कवर कर रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि बी प्राइम
इस रो को कवर कर रहा है, बी प्राइम इस रो को कवर कर रहा है, तो ये 8 सेल बी प्राइम कवर कर रहा है। अब इन हाइलाइटेड सेल्स में से हम सी वाले सेल्स को अलग कर लेंगे, तो हमें पता है कि सी के दो कॉलम्स हैं, तो इन दो कॉलम्स में जो सेल्स आते हैं, जो बी प्राइम भी कवर करे और सी भी कवर करे, वो ये 4 सेल्स बनते हैं। अब हमें एक और लेटरल भी है इसमें डी प्राइम, तो डी प्राइम देख लेंगे। अब डी प्राइम हमें नजर आ रहा है कि एक सेल ये है और एक सेल ये, तो सॉरी डी प्राइम ये सेल है, तो डी प्राइम जो कवर कर रहे हैं वो ये कॉर्नर वाली ये 2 सेल्स कवर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट टर्म में और कोई लेटरल नहीं है, तो हम इन 2 सेल्स को 1 कर लेंगे। इसी तरह अगले प्रोडक्ट टर्म को कंसिडर कर लेंगे, उस प्रोडक्ट टर्म में ए प्राइम वाले 8 सेल्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं, फिर उन सेल्स को अलग कर लेंगे जो बी भी कवर कर रहे हैं, यानी ये वाला रो हमारे पास बच जाएगा। इसके बाद हमने सी वाले सेल्स को हाईलाइट करना है, सी वाले सेल्स ये 2 बनते हैं, और इसके बाद डी प्राइम वाले सेल्स को, डी प्राइम यानी डी प्राइम जो डी प्राइम के अंदर भी आता है, तो डी प्राइम यही सेल हमारे पास बनता है, क्योंकि ये मिन टर्म है, पूरा कंप्लीट मिन टर्म है, तो जस्ट एक सेल का एड्रेस होगा। इससे पहले मिन टर्म नहीं थे, लेकिन एक लेटरल उसमें मिसिंग था, तो दो दो सेल्स ये एड्रेस कर सकते थे। अब ये पूरा एक मिन टर्म है, तो एक सेल ये एड्रेस कर रहा है, तो इसको जस्ट हम 1 कर लेंगे, तो ये सेल हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी तरह अगले आखिरी प्रोडक्ट टर्म को देख लेंगे, ए बी प्राइम सी प्राइम, तो ए इस पूरे 2 रोज को कवर कर रहे हैं। अब इसमें से बी प्राइम वाले सेल्स को अलग कर लेंगे, बी प्राइम वाला नीचे रो बनता है। अब इसके बाद सी प्राइम वाले 2 सेल्स को हम अलग कर लेंगे, तो सी प्राइम वाले 2 सेल्स ये बनते हैं हमारे पास, तो इन 2 को हम 1 कर लेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बूलियन फंक्शन था, इसको देख के हमने हमने जो रिलेवेंट सेल्स थे उनको हमने 1 से मार्क कर लिए, जो सेल्स हमने मार्क नहीं किए वो हमारे पास ऑब्वियसली वो 0 बनेंगे। अब ये जो प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से सेल्स को मार्क करना, ये 3 वेरिएबल मैप हो, 5 वेरिएबल मैप हो, या 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शन हो, 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन हो, 2 वेरिएबल बूलियन फंक्शन हो, यही मेथड हमने फॉलो करना है और सेल्स को हमने मार्क करना है। अब ग्रुपिंग करते हैं, तो हमारे पास जो सेल्स नाइबर्स है एडजस्टेंट, उनका ग्रुप हम बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये पूरा रो इस पूरे रो का नाइबर है, इस पूरे रो में हम ये 2 सेल्स हमारे पास आते हैं, तो ये 2 सेल्स इन 2 सेल्स के नाइबर्स है, तो इन 2 सेल्स का हम ग्रुप बना सकते हैं। हम इन 2 सेल्स को मिला के इन 2 सेल्स के साथ 6 का ग्रुप नहीं बना सकते कि हम, क्योंकि 6 को हम टूरिस्ट फॉर इन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंबाइन दिस ग्रुप एंड दिस 2 सेल्स एट द कॉर्नर्स विद दिस ग्रुप, क्योंकि फिर हमारे पास 6 का ग्रुप बनेगा जो कि अलाउड नहीं है। तो हमारे पास इन 4 का सेल्स का ग्रुप बनेगा, और इन 4 सेल्स का जो ग्रुप बनता है, इसका प्रोडक्ट टर्म जो बनता है वो हमारे पास एक तो सी के अंदर आता है, ये हमारे पास नजर आ रहा है कि सी के अंदर आता है, दूसरा हमारे पास बी प्राइम के नीचे भी आता है बी प्राइम, तो हमारे पास बी प्राइम सी हमारे पास एस सेल का इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बनेगा बी प्राइम सी। इसी तरह हम अगला हमारा जो अगला ग्रुप बनेगा, हमारे पास चूंकि ये सेल इस कॉर्नर वाले सेल का नाइबर है, ये सेल इस सेल का नाइबर है, और ये सेल इस सेल का नाइबर है, और ये सेल अगेन इस सेल का नाइबर है, तो ये चारों कॉर्नर्स पे जो सेल्स हैं ये आपस में नाइबर्स है, तो हम इन चारों को मिला के एक ग्रुप बना सकते हैं। और याद रखें कि हमारे पास ये 2 सेल्स ऑलरेडी पहले ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन दिस इज अलाउड क्योंकि ग्रुपिंग में जो ओवरलैपिंग है दैट इज अलाउड एज लॉन्ग एज वी हैव एटलीस्ट 1 स्क्वायर दैट इज नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अनदर ग्रुप, क्योंकि हमारे पास इस ग्रुप में ये 2 सेल्स नए सेल्स हैं, ये नहीं है पहले से किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो हम इन 2 सेल्स के साथ मिला के बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। अगर इन 2 सेल्स को हम मिला के ग्रुप बना लेते और ये 2 सेल्स शामिल ना कर लेते, तो भी लॉजिकली बुलियन फंक्शन ठीक होता, लेकिन वो सिंप्लीफाइड नहीं होता। तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लार्ज ग्रुप एज मच एज पॉसिबल। तो हमारे पास इन 4 सेल्स का जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा वो हमारे पास देख ले, हमारे पास एक तो डी प्राइम इन दोनों इन 4 सेल्स में कॉमन है डी प्राइम, और दूसरा हमारे पास बी प्राइम भी कॉमन है, बी प्राइम इधर भी है, बी प्राइम इधर भी है, तो हमारे पास बी प्राइम डी प्राइम इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बनेगा। अब हमारे पास इस के मैप में एक सेल ऐसा है जो कि किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, तो इस सेल का हम एक इंडिविजुअल ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन वी कैन डू बेटर, हम अगर इन 2 सेल्स को कंबाइन करके एक ग्रुप बना ले,
तो दो सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि हमने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो इन दो सेल्स को हम और सेल्स के साथ शामिल करके ग्रुप नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेल्स अगर हम इन चारों सेल्स को कंबाइन करें तो फिर पांच का ग्रुप बना सकते थे, लेकिन फाइव कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टू रेस्ट पावर एन, सो दैट्स वाई हम सिर्फ दो का ही ग्रुप बना सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेल को हम इसके साथ शामिल करके दो सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट नंबर बनेगा, जितना जितना ग्रुप का साइज कम हो जाता है, पहले चार सेल्स के ग्रुप थे, अब हमारे पास दो सेल का एक ग्रुप है, तो इसी इतना ही प्रोडक्ट टर्म इसका बड़ा बनेगा। यानी पहले सेल्स के पहले ग्रुप के दो दो लेटरल्स के प्रोडक्ट बने थे, इसका तीन का लेटरल तीन लेटरल्स का प्रोडक्ट टर्म बनेगा हमारे पास। एक तो इसमें सी कॉमन है, दूसरा हमारे पास ए प्राइम भी इसमें कॉमन है, और हमारे पास तीसरा जो लेटरल है वो डी प्राइम भी हमारे पास इसमें कॉमन है। तो ए प्राइम सी डी प्राइम इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बनेगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन है जो कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था लेकिन सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन नहीं था। हमारे पास ये जो बूलियन फंक्शन है ये सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन है। आई होप के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो सारे क्लियर हो गए।